coefficient of x power 15 and the term independent of x, x independent term और x के power 15 के coefficient जो है उनका रेशियो क्या होगा। चलिए तो पहले जनरल टर्म निकाल लेते हैं, 15 सी आर एक्स स्क्वायर का पावर 15 माइनस आर 2 बाई एक्स का पावर आर। 15 सी आर यहाँ एक्स का पावर हो जाएगा यहाँ पर 30 माइनस का 2 आर, 2 का पावर आर और यहाँ एक्स का पावर आर। देखिए क्या हो जाएगा जनरल टर्म, 15 सी आर 2 का पावर r और x का पावर 30 माइनस का 3r। ठीक है, तो यहाँ पे x का पावर 15 के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे बाई इक्वेटिंग x का पावर 15 एंड x का पावर 30 माइनस 3r, तो यहाँ से हो जाएगा 15 इक्वल टू में 30 माइनस का 3r, 3r को इधर लाते हैं प्लस का, इसको इधर लाते हैं तो 15 हो जाएगा, इधर जाएंगे डिवाइड में तार का वैल्यू 5। अच्छा यहाँ से टी 5 प्लस 1 15 सी 5 2 का पावर 5 और x का पावर 30 माइनस का 3 इंटू में 5, यानी क्या आ जाएगा 15 सी 5 2 का पावर 5 x का पावर यहाँ पर 15। तो कोफिशियंट क्या हो जाएगा इसका, कोफिशियंट ऑफ x का पावर 15, 15 सी 5 x 2 का पावर 5। अच्छा अब जीरो से इक्वेट करके देख लेते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट फ्रॉम x भी तो कह रहा है, बाय इक्वेटिंग x का पावर 0 एंड x का पावर 30 माइनस का 3 है, तो 30 माइनस 3 आर किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 आर इक्वल टू में 30 ये जाएगा डिवाइड में r का वैल्यू 10, आर का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी टर्म जो होगा 10 प्लस का 1 इक्वल टू में 15 सी 10 2 का पावर 10 x का पावर 30 माइनस का 3 इंटू में 10। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 15 सी 15 माइनस का 10 x 2 का पावर 10 हो जाएगा ना जी, 2 का पावर 10 हो जाएगा और x का पावर 0 यानी कि x वाला टर्म गायब ही हो जाएगा, यानी आ जाएगा 15 सी यहाँ पर कितना 5 2 का पावर 10। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोफिशियंट ऑफ x का पावर 15 एंड टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, तो उसका आया था 15 सी 5 2 का पावर कितना था ये 5 और नीचे है 15 सी 5 2 का पावर 10, ये कैंसिल, 1 बाई 2 का पावर 5 बचेगा यानी कि 1 बाई में 32, 1 रेशियो 32 यहाँ से आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया।